नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना को हराने के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन के अभियान में देश आज 100 करोड़ डोज का पड़ाव पार करने जा रहा है। जी हाँ, आज देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा और 100 करोड़ डोज पूरे होने पर सरकार ने भी जश्न मनाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन बाकी है वो तुरंत टीका लगवाएं और देश की इस स्वर्णिम टीकाकरण यात्रा में योगदान दें। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पर देश भर में जश्न मनाने की भी तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे RML अस्पताल में होने वाले इस खास कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। यहाँ वो हेल्थ केयर वर्कर्स से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लाल किले से कैलाश खेर के गाय गीत और एक ऑडियो विजुअल फिल्म को लॉन्च भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि स्पाइस जेट ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक खास तरह के आउटर कवर को जारी करेगी। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले आपको बता दें मांडविया ने भी ये भी बताया था कि जैसे ही देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा हो जाएगा वैसे ही लाउडस्पीकर के जरिए विमानों, जहाजों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों से इसका ऐलान किया जाएगा। और इन सब के अलावा केंद्र सरकार के अलावा आपको बता दें अस्पतालों में भी बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस मौके को खास बनाने के लिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया देश भर में 100 हेरिटेज साइट को तिरंगे की रोशनी से रोशन करने की योजना भी बना रहा है। इसके जरिए ASI, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वैक्सीन निर्माताओं, वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान और कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त की जाएगी। तो ऐसे में आज बेहद ही खास दिन है, बेहद बहुत बड़ा दिन ये माना जाएगा, क्योंकि आज भारत में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो जाएगा और ऐसे में आज पूरे देश में इसके लिए जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के RML अस्पताल में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 10:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और ऐसे में सभी को बधाइयां तो दी ही जाएंगी और इसके साथ ही बहुत बड़े स्तर पर जश्न मनाने की भी तैयारी है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ही ऐसा एक पहला देश है जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर जाएगा आज। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने बुधवार को मॉडर्ना इंक और जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को मान्यता दे दी है और कहा है कि अमेरिका में लोग बूस्टर के तौर पर किसी भी वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। US बूस्टर कैंपेन में FDA ने ये फैसला अहम है और ऐसे में इसकी शुरुआत पिछले महीने जब फाइजर वैक्सीन के अतिरिक्त खुराक के साथ हुई। इसी क्रम में अगले हफ्ते CDC विशेषज्ञों के पैनल से मिलकर इस बात का विमर्श करेगी और किसे और कब बूस्टर डोज मिलनी चाहिए। और आपको बता दें कि पिछले महीने 65 से ज़्यादा और उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए ही फाइजर कोविड बूस्टर डोज की मंजूरी दी गई थी और साथ ही 16 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए भी बूस्टर डोज देने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था। ऐसे में अमेरिका में अब कोरोना के डेल्टा वेरियंट के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए इसके जोखिम से बचने के लिए विशेषज्ञों ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज देने की सिफारिश भी की थी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि जल्द ही सभी अमेरिकों के लिए बूस्टर डोज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो ऐसे में अब जॉनसन एंड जॉनसन के पोस्टर को FDA की मंजूरी मिल चुकी है और बूस्टर डोज अब लग जाएगी लोगों को अमेरिका में, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से बूस्टर डोज के लिए काफ़ी चर्चा हो रही थी, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था, लेकिन अब FDA ने इसके मंजूरी दे दी है। तो आपको बता दें पिछले काफ़ी समय से कई वैक्सीन्स को लेकर बूस्टर डोज की बात भी कही जा रही थी, इसीलिए जॉनसन एंड जॉनसन के बूस्टर डोज की भी अब अनुमति मिल चुकी है। दरअसल पहले मॉडर्ना के वैक्सीन के बूस्टर डोज की इजाज़त मिली थी, FDA ने मंजूरी दी थी, लेकिन अब जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसकी भी अमेरिका में लोगों को बूस्टर डोज लग सकेगा।
उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। मूसलाधार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में भूस्खलन की खबरों के साथ ही अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में हुई बारिश से तबाही का जायजा लेने के लिए बुधवार देर शाम देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की वापसी के साथ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हुए नुकसान पर अमित शाह समीक्षा बैठक करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें, राज्य में भारी बारिश के बाद हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और ऐसे में भारी बारिश से प्रभावित उत्तराखंड में बुधवार को 6 और शव बरामद किए गए थे, जिससे राज्य में अब मरने वालों का आंकड़ा 52 हो चुका है। आपको बता दें कि बारिश के चलते भूस्खलन से कई सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं और अनेक गाँव में बिजली आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। ऐसे में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नष्ट मकानों के मलबे से आज भी कई शव बरामद हुए थे सुबह और ऐसे में 5 लोग अभी भी लापता हैं। साथ ही बारिश से जुड़ी घटनाओं में 17 लोग घायल भी हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि एक आधिकारिक बयान के अनुसार ज्यादातर लोगों की मौतें मकानों के गिरने की वजह से हुई। ऐसे में नैनीताल जिले में ही 28 लोगों की जान जा चुकी है। तो उत्तराखंड के हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। बारिश की वजह से चारों तरफ सैलाब पानी का नजर आ रहा है। इसी का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल देर शाम उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर आज आपको बता दें कि वो जहां जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां का हवाई सर्वेक्षण भी अमित शाह करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, कुलगांव में सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा के जिला कमांडर गुलजार अहमद रैशी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर जोन में पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा है कि दोनों आतंकी बिहार के 2 गरीब मजदूरों की हत्या में भी शामिल थे। आपको बता दें कि दोनों मजदूरों की 7 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी और इससे पहले दिन में भी सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 2 बाकी सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं अधिकारियों के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से हाल ही में हुई उस व्यक्ति की हत्या में शामिल था जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला था। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा कि आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले के दरगढ़ इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान भी चलाया। इसके बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और इसी दौरान लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो बड़ी जानकारी ये जम्मू कश्मीर से मिल रही है कि सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर बिहार के 2 मजदूरों की हत्या करने वाले 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। CBSE ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि बोर्ड विद्यार्थियों को उसी शहर में परीक्षा केंद्र की सुविधा देने जा रहा है, जिस शहर में वो परीक्षा के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने स्कूल से संपर्क करना होगा और इसके बाद स्कूल की ओर से बोर्ड को सूचित किया जाएगा। ऐसे में CBSE परीक्षा के समय में आपको बता दें कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं, वो जहां भी मौजूद रहेंगे, जिस राज्य में भी मौजूद रहेंगे, वो वहीं से अपनी परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा सेंटर बदलने का ये विकल्प दिया जा रहा है और ये घोषणा समय से पहले की जा रही है ताकि छात्रों को समय पर जानकारी मिल सके। ऐसे में बोर्ड का स्कूलों और छात्रों से अनुरोध है कि वो निरंतर CBSE की वेबसाइट के संपर्क में रहें। जैसे ही छात्रों के सेंटर विकल्प बदलने के संबंध में सूचित किया जाएगा, वैसे ही उन्हें स्कूलों से तय समय सारणी के भीतर ये अनुरोध करना होगा और ये कहना होगा कि हमें अपना सेंटर बदलना है और ये समय जल्द ही घोषित किया जाएगा और ये काम भी कम अवधि में ही होगा। आपको बता दें कि बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा केंद्र का शहर बदलने के अनुरोध को तय शेड्यूल के बाद ही स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको पहले से ही इसके लिए कहना होगा, तभी आपकी ये मांग मानी जाएगी कि आप कहीं पर भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही
बता दें कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं 30 नवंबर से 11 दिसंबर और 12वीं की परीक्षाएं 1 से 22 दिसंबर तक होनी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सों के दाखिले के लिए जारी तीसरी कट ऑफ का आज आखिरी दिन है। इस कट ऑफ में दाखिले के लिए छात्रों को अब 4 दिन मिले थे, जिसमें इस कट ऑफ में दाखिले का आंकड़ा 53,000 से ज़्यादा होने की संभावना भी है। आपको बता दें कि इस कट ऑफ में दाखिले के लिए 1 दिन बाकी है, यानी कि आज का दिन ही बचा हुआ है। बावजूद इसके कई कॉलेजों में कुल सीटों से ज़्यादा दाखिले हो चुके हैं। इस कट ऑफ के आधार पर आपको बता दें, छात्र शनिवार यानी कि 23 अक्टूबर शाम 5 बजे तक फीस भी जमा कर सकते हैं। ऐसे में तीसरी कट ऑफ के दाखिले खत्म होने के बाद सोमवार यानी कि 25 अक्टूबर को स्पेशल कट ऑफ जारी की जाएगी। इस कट ऑफ में दाखिले के लिए बच्चों को केवल 2 दिन का समय दिया जाएगा, जिसके आधार पर 26 और 27 अक्टूबर को ही एडमिशन किया जा सकेगा। साथ ही इस कट ऑफ में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो 3 कट ऑफ में से किसी भी कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले सके हैं। ये तभी संभव होगा जब कॉलेज में कोर्स की सीट खाली होगी। वहीं एडमिशन की स्थिति पर नजर डालने के लिए आपको बता दें कि अब तक 1,61,024 बच्चे आवेदन कर चुके हैं। इसमें से 52,029 बच्चों ने फीस का भुगतान भी कर दिया है और एडमिशन भी ले लिया है, जबकि तीसरी कट ऑफ में बुधवार शाम यानी कि कल शाम 6 बजे तक 10,000 से ज्यादा दाखिले कॉलेज प्रिंसिपल ने मंजूर किए हैं। जिस तरह से एडमिशन की रफ्तार है, उससे संभावना जताई जा रही है कि शनिवार तक एडमिशन लेने वालों की संख्या 53,000 से ज़्यादा पहुंच जाएगी। तो आज यानी कि ड्यू में तीसरी कट ऑफ के दौरान एडमिशन लेने का आखिरी दिन है। अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं और तीसरी कट ऑफ में आपका नाम है, नंबर आ रहा है, तो आज आपके लिए वो आखिरी दिन है। इसके बाद अब एक ड्यू की बस एक स्पेशल कट ऑफ भी जारी होगी जो मंडे को जारी होगी यानी कि 25 अक्टूबर को, और उसके बाद उसके लिए एडमिशन 26 और 27 अक्टूबर को हो सकेंगे। वातावरण की नमी कम होने के साथ ही दिल्ली की हवा अच्छी से खराब हो गई है। 48 घंटे के भीतर वायु गुणवत्ता सूचकांक में 175 अंकों के उछाल पर आया, तो वहीं 46 से 221 पर जा पहुंचा है। आपको बता दें कि सफर का पुनः अनुमान है कि बारिश नहीं होने की वजह से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा और 5 दिन में ये बेहद ही खराब से गंभीर स्तर तक पहुँच सकती है। ऐसे में सोमवार की तेज बारिश से दिल्ली की हवा साफ हो गई थी, लेकिन धूल के महीने में ऐसे में कण में पीएम 10 हवा में पहुंचना बंद हो गए थे। साथ ही बता दें, पड़ोसी राज्यों में पराली जलने के मामले में भी कमी आई थी, जिनके मिले जुले असर से साल में पहली बार हवा की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में भी चली गई थी। ऐसे में सोमवार को सूचकांक 46 दर्ज किया गया था, जबकि दूसरे दिन मंगलवार को भी बारिश का असर दिखा और हवा की गुणवत्ता काफी बेहतर रही थी, लेकिन खिली धूप में बुधवार को हवा में नमी का स्तर 47% तक पहुंच गया। इससे धूल के महीन कणों का धरती से निकलना भी संभव हो गया, जबकि दूसरी पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से 746 मामले रिकॉर्ड होने से पीएम 2.5 का हिस्सा 12% चला गया। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक में 221 दर्ज किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 2 दिन में प्रदूषण स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में बुधवार को सूचकांक 221 पर पहुंच गया था और हवा का ये स्तर खराब श्रेणी में आता है। उधर सफर का पुनः अनुमान है कि आने वाले दिनों में पड़ोसी राज्यों में पराली जलने के मामले बढ़ने का अंदेशा भी है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में जो पोल्यूशन की स्थिति है वो दिल्ली में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए लोगों को गंभीर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि ये लगातार कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण में और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है और प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। आपको बता दें कि मानसून के लगभग पूरी तरह से जाने के बावजूद भी दिल्ली, उत्तराखंड और केरल में बीते दिनों भीषण बारिश देखने को मिली थी। मौसम विभाग के अनुसार अभी दिल्ली, उत्तराखंड और केरल में बारिश होना और बाकी है। ऐसे में IMG की माने तो उत्तराखंड में अभी अगले 3 दिन भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कमी देखने को मिलेगी। IMD ने बताया है कि केरल में भी अगले 3 से 4 दिन भीषण बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो अभी भी दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने का मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड में 3 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 22 से 24 अक्टूबर तक कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में 23 अक्टूबर को मौसम अधिक खराब भी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर में मंडलायुक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एडवाइजरी जारी की गई है कि संभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन मजबूत बनाने के लिए कहा गया है। खराब मौसम में हवाई और सड़क सेवाएं प्रभावित होने की चेतावनी है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित बाकी हाईवे भी प्रभावित हो सकते हैं। बुधवार को प्रदेश में मौसम काफी साफ रहा। इसी बीच गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -1.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लेह में -0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके साथ सबसे ठंडा दिन भी माना गया अभी तक का। ऐसे में मौसम एडवाइजरी के अनुसार 22 अक्टूबर की शाम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम खराब होने की आशंका है। इसमें जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी भी होगी। साथ ही कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू संभाग में बिजली चमकने, बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही खराब मौसम की सूरत में जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर लेह और लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मुगल रोड पर भी यातायात प्रभावित होगा। ऐसे में जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की भी आशंका रहेगी। साथ ही खराब मौसम से बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही किसानों को खराब मौसम से पूर्व कृषि और बागवानी की फसलों और पेड़ों की भी आवश्यक कटाई करने की हिदायत दी गई है। वहीं यात्रियों को भी मौसम पूर्वानुमान जानकारी लेकर ही संभावित क्षेत्रों में यात्रा करने की सलाह दी गई है। वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर में भी तापमान में काफी इससे गिरावट दर्ज की गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने आज यह ऐलान किया कि मैं अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसका नाम ट्रुथ सोशल रखा गया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप का यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरह ही होगा, जिस पर यूजर्स अपने विचार, फोटो और वीडियोज को शेयर कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने बयान में ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप मीडिया टेक्नोलॉजी ग्रुप और उसके ट्रुथ सोशल ऐप को लॉन्च करने का उनका लक्ष्य है बिग टेक कंपनियों के लिए एक प्रतिद्वंदी बनना है, जिन्होंने उन्हें बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तालिबान की ट्विटर पर बड़ी मजबूती है, फिर भी आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को खामोश कर दिया गया है, यह अस्वीकार्य है। इसके साथ ही ट्रंप ने ट्विटर और फेसबुक की ओर से बैन होने के बाद से ही अपनी खुद की सोशल मीडिया साइट लॉन्च करने की बात कही थी। कंपनी का कहना है कि वो एक वीडियो ऑन डिमांड सेवा की योजना बना रही है, जिसमें मनोरंजन, प्रोग्रामिंग, समाचार और पॉडकास्ट भी शामिल होंगे। बाराबंकी में अचानक भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद कचहरी परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कचहरी परिसर में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही चेकिंग पॉइंट और परिसर में विशेष सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। इस दौरान आपको बता दें कि कचहरी परिसर में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की सघन चेकिंग भी की गई।
मथुरा के वृंदावन स्थित रामकिशन मिशन हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सेवा काफी दिनों से करता चला रहा है, जिसमें सालों से गरीब लोगों को काफी किफायती इलाज मुहैया कराया जाता है। वहीं अब यहां रामकिशन मिशन की पदाधिकारियों की ओर से अब यहां नवजात बच्चों के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर NSI वार्ड की भी शुरुआत की गई है। यहाँ पर उन बच्चों को बेहतर इलाज मिलेगा जिन्हें इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा की जरूरत होगी। वहीं बुधवार को इस वार्ड का उद्घाटन करने के लिए SP सिटी MP सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इस वार्ड का उद्घाटन भी किया। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि रामकृष्ण मिशन की सेवा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में मथुरा ही नहीं बल्कि इस जोन में एक बड़ा नाम है, और इनकी जो मेडिकल सेवाएं हैं वो ए ग्रेड की और उच्च स्तर की हैं। इसी को आज इन्होंने थोड़ा सा विस्तार देते हुए छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक इन्होंने NSIU शुरू किया है, और जो कि हमें लग रहा है कि इस जोन का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक NSIU है, जिसकी आज इनके द्वारा शुरुआत की गई है। रामकृष्ण मिशन अपने आप में सेवा के लिए ही पूरे विश्व में जाना जाता है, और उस सेवा को एक नया आयाम आज यहां प्रदान किया गया है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।